आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। नवरात्र का पर्व चल रहा है और नवरात्र के पर्व में देवी माता के शक्ति के नौ स्वरूपों की आराधना लगातार जारी है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। ऐतिहासिक मठ मंदिर प्रांगण में मठ महाकाल समिति के द्वारा जो आयोजन कराए जा रहे हैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा सब तरफ की जा रही है। एक तरफ गरबे को लेकर विरोधाभास की स्थिति बनी हुई है, दरअसल गरबे में अश्लीलता फूहड़ता हावी होती हुई दिख रही है, जिसे लेकर सोशल मीडिया रंगा हुआ है। और इसी बीच मठ महाकाल समिति के द्वारा गरबे का आयोजन किया गया और इस गरबे को देखकर आपको पारंपरिक गरबा निश्चित तौर पर याद आएगा। मठ महाकाल समिति के द्वारा इस गरबे का आयोजन किया जा रहा है। पार्श्व में आप देख रहे होंगे मठ महाकाल समिति का बैनर भी लगा हुआ है। महाराष्ट्रियन और गुजराती वेशभूषा, जो पारंपरिक वेशभूषा है, उस वेशभूषा का ड्रेस कोड रखा गया है और कितनी शालीनता के साथ माता की आराधना यहाँ पर की जा रही है। गाने भी जो यहाँ बजाए जाते हैं वे भी बहुत शालीनता के साथ माता की शक्ति स्वरूपों की उपासना के लिए जो जरूरी हैं वे ही यहाँ बजाए जा रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। मठ महाकाल समिति इसका आयोजन कर रही है, ये आप देख सकते हैं। मठ महाकाल समिति का बैनर भी यहाँ पर लगा हुआ आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर जो गरबा हो रहा है वो गरबा पारंपरिक वेशभूषा आपको गुजरात की और महाराष्ट्र की दोनों की मिली जुली वेशभूषाएँ दिख रही होंगी। महिलाओं के परिधान भी इस तरह के हैं कि जिन्हें आप पारंपरिक परिधान की संज्ञा दे सकते हैं। वास्तव में पारंपरिक परिधान है, इसमें कहीं फूहड़ता अश्लीलता कहीं भी परिलक्षित नहीं हो रही है। इस तरीके से अगर गरबे का आयोजन किया जाता है तो शायद ही किसी को इसमें आपत्ति हो। पिछले कुछ सालों से शिव की नगरी में गरबे ने बहुत अलग स्वरूप अख्तियार कर दिया, बहुत अलग स्वरूप इसका हो चुका है। गरबे को व्यवसाय का साधन बना लिया गया, व्यवसायिक रूप से इसका उपयोग किया जा रहा है, जिसके लिए सभी इसकी निंदा कर रहे हैं। महिलाएं आती हैं और पारंपरिक रूप से अपने हुनर के जरिए, अपने नृत्य के जरिए माता के शक्ति स्वरूपों की आराधना करती हैं, पर कुछ जगह ये देखा जाता है कि धन कमाने के चक्कर में लोगों का ये कहना है कि महंगी महंगी टिकट रखी जाती हैं और महिलाओं के बिना प्रवेश नहीं दिए जाने की बात की जाती है, पर महिलाओं के बिना पुरुषों को प्रवेश दे दिया जाता है। जो अंदर पंडाल में जाकर गरबे के बीच में व्यवधान पैदा करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, जो आपत्तिजनक माना जा सकता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। कितने सुंदर तरीके से शालीनता के साथ यहाँ इस गरबे का आयोजन होता हुआ आपको दिख रहा होगा। मठ महाकाल समिति वास्तव में बधाई की पात्र है, जिसके द्वारा इस गरबे का आयोजन किया गया और वेशभूषा, महिलाओं के नृत्य वास्तव में बहुत शालीन नजर आ रहे हैं। लोगों के द्वारा इसकी भूरी भूरी प्रशंसा भी की जा रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। इस तरह से अगर गरबा होता है तो शायद ही किसी को कोई आपत्ति हो। पिछले लगभग 3 सप्ताह से अधिक समय से गरबे को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर रार चल रही है। प्रशासन को भी चाहिए कि जहां भी गरबा हो रहा है अगर वहां पर टिकट लगाई जा रही है तो उसमें आबकारी शुल्क वसूला जाए। दरअसल प्रभावशाली लोगों को अपनी समितियों में शामिल कर गरबा समितियों के कुछ कथित सदस्यों के द्वारा धन कमाने की मंशा से
इस तरीके के काम पिछले कई सालों से किए जाते रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। बहुत सुंदर यहाँ पर नृत्यों की प्रस्तुति, माता के शक्ति स्वरूपों की आराधना। देखा जाए तो गरबा माता के शक्ति स्वरूपों की आराधना का एक साधन है, जिस साधन को अब दूसरे स्वरूप में लिया जाने लगा, पर कुछ युवाओं के द्वारा, कुछ उत्साही युवकों के द्वारा इसे, इस पर लगाम लगाए जाने, इसको रोके जाने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है, जिसे लोगों का समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। यही कारण है कि इस बार गरबा बहुत सीमित जगहों पर ही होता नजर आ रहा है, और जहां पर भी गरबा हो रहा है बहुत शालीनता के साथ गरबे का आयोजन किया जा रहा है। हमने आपको जैसे ही यह खबर आरंभ हुई थी, हमने आपको शुरुआत में दिखाया, दो बालिकाएं तलवार लेकर तलवारबाजी का हुनर दिखा रही थी। वास्तव में देखा जाए तो इस तरीके की चीज़ें होने की आज आवश्यकता महसूस की जा रही है। कितने सुंदर तरीके से, कितने शालीन तरीके से मठ मंदिर प्रांगण में मठ महाकाल समिति के द्वारा इस गरबे का आयोजन किया जा रहा है। इस तरह के गरबे का आयोजन अगर होता है तो शायद ही किसी को आपत्ति हो, शायद ही कोई इसमें आपत्ति करे। कुछ शहर के कुछ जगहों पर इस तरह से गरबा का आयोजन किया जाता था, जहां पर महिलाएं अपने आप को पूरी तरह सुरक्षित महसूस किया करती थी, पर अब लोगों का कहना यह है कि शहर में उन स्थानों पर जहां पर ऐसे महिलाएं सुरक्षित महसूस किया करती थी, वहां पर भी अब वैसी परिस्थितियां नहीं रह गई थी। बहरहाल मठ महाकाल समिति के द्वारा आयोजित ये गरबा, और महिलाएं कितने स्वच्छंद तरीके से, महिलाएं कितनी शालीनता से, कितने विश्वास के साथ यहाँ पर प्रस्तुति दे रही हैं, इस सब के लिए निश्चित तौर पर मठ महाकाल समिति बधाई की पात्र मानी जा सकती है। आने वाले वर्षों में अगर इस तरीके से शालीनता पूर्वक गरबे का आयोजन, और जेंट्री जो देखने वाले लोग हैं वे भी बहुत शालीनता से अगर गरबे को देखते हैं, तो निश्चित तौर पर इस तरीके के गरबा के आयोजनों में लोगों को, नागरिकों का पूरा सहयोग भी मिलेगा, ये इस तरीके की उम्मीद भी की जा सकती है। पर गरबे के जरिए अश्लीलता को अगर परोसा जाएगा, फूहड़ता को अगर परोसा जाएगा, तो शायद ही कोई उसे बर्दाश्त कर पाए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में खबरें अगर आपको पसंद आ रही हो तो उन्हें आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको ये सारी खबरें कैसी लग रही हैं और आप क्या देखना चाहते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।